हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू हम तुम। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सर्दियों का मौसम चल रहा है, अब सर्दियां हैं तो सर्दी जुकाम तो होता ही रहेगा, तो उसके लिए, उन चीज़ों को प्रिवेंट करने के लिए हमें चाहिए एक इम्यूनिटी बूस्टर जो हम रोज़ की डेली की अपनी डाइट में इन्वॉल्व कर सकें। और वो चाय के अलावा बेस्ट आप किस में ले सकते हैं? तो आइए, इस चाय मसाला को बनाने के लिए हमें किन किन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है एक बार वो देख लेते हैं। इसके लिए हमें चाहिए होंगे एक बड़ी सौंठ जिसे ड्राई जिंजर भी कहते हैं, एक बड़ी मुलट्ठी, एक चम्मच लौंग, 4 से 5 बड़ी काली इलायची, 2 चम्मच काली मिर्च और एक बड़ा टुकड़ा दालचीनी का। आइए अब हम इन सब चीज़ों को पीस लेते हैं। काली मिर्च, सौंठ, लौंग, इलायची, ये सभी चीज़ें, ये सभी स्पाइस आपको बहुत ही ज़्यादा गर्मी प्रोवाइड करते हैं और आपकी इम्यूनिटी को अंदर से स्ट्रॉन्ग करते हैं। इसे ब्लेंड करने के बाद देखिए, एक अच्छा सा हमें स्पाइस मिक्स रेडी हो गया है। अब हम इसे छान लेंगे। हम ये मसाला ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं बना के रखेंगे, सिर्फ 3 से 4 दिन का ही प्रिपेयर करके रखेंगे, बिकॉज़ अगर हम ज़्यादा बना के रखते हैं तो अरोमा जो होता है मसालों का, स्पाइसेस का, वो खो जाता है, लॉस्ट हो जाता है। इसीलिए ये चाय मसाला मैं आपको 3 तरह से बताऊंगी यूज़ करने का, इसके 3 तरीके। पहले तो आप उबले हुए पानी में 1/2 चम्मच इसे मिला लीजिए। ये आप काढ़े की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, रात के समय सोने से पहले आप ये पी सकते हैं। इसे मिलाने के बाद 2 से 3 मिनट अच्छे से पका लीजिए और आपका एक बढ़िया रात का काढ़ा रेडी है। इस मसाला टी में दालचीनी और काली मिर्च प्रेजेंट है जो आपके बॉडी के फैट को कम करेगा और कोलेस्ट्रॉल कम करने में भी लाभदायक है। इस काढ़े में मुलट्ठी भी है जो गले की खराश और अकड़न को दूर करती है। आइए अब देखते हैं दूसरा तरीका। इसमें आपको नॉर्मल जो आप टी बनाते हैं वैसे बनाना है, साथ ही साथ आपको इसके अंदर 1/2 चम्मच ये टी मसाला जो हमने बनाया है चाय मसाला वो ऐड करना है, और साथ ही साथ थोड़ी और इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हम 2 से 4 पत्तियां तुलसी की भी इसमें डाल देंगे। इसे 3 से 4 मिनट तक एक अच्छा बॉयल आने देंगे और फिर हम इसमें दूध ऐड करेंगे और नॉर्मल अपनी टी की तरह हम इसे इंजॉय करेंगे। यकीन मानिए, ये चाय इतनी स्वादिष्ट बनती है कि आप बाहर का चाय मसाला तो बिल्कुल भूल ही जाएंगे और घर पे ही इसको प्रिपेयर करेंगे हर बार। तीसरा और लास्ट तरीका है, आप बच्चों के लिए रात के दूध में इसको 1/2 चम्मच मिला के बच्चों को दे सकते हैं। ये दूध उनके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक रहेगा और उनकी इम्यूनिटी को बहुत ही ज़्यादा बूस्ट करेगा। अगर आपको मेरे चाय मसाला की रेसिपी पसंद आई और आप ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।